मुंबई के राजवाड़ी अस्पताल से एक लापरवाही की खबर सामने आ रही है। आईसीयू में भर्ती मरीज के आईसीयू में घुसकर चूहे ने मरीज के आंख को खाने की कोशिश की है। मरीज की आंख बार बार बची है, बुरी तरीके से मरीज की आंख को हानि आई है। लीवर में प्रॉब्लम आने के बाद मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया था, जिसके बाद अस्पताल के आईसीयू में एक चूहे ने घुसकर मरीज की आंख पर हमला किया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कितनी बुरी तरीके से बार बार मरीज की बाल बाल आंख बचाई गई है। ये हम जो दिखा रहे हैं मरीज की माँ है, और ये राजवाड़ी अस्पताल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही, आखिर आईसीयू में चूहा घुसा कैसे? अस्पताल की डीन ने इस वाक्य की, इस घटना की पुष्टि की है, और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ इस ये घटना के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच के आदेश दिए गए हैं अस्पताल के खिलाफ। आईसीयू में चूहे ने मरीज की आंख खाने की कोशिश की। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मरीज के परिजन तस्वीर दिखा रहे हैं, वाक्य बता रहे हैं कि किस तरीके से अस्पताल प्रशासन की छोटी सी लापरवाही के कारण मरीज की आंख चली जा सकती थी, बाल बाल बचाई गई है मरीज की आंख। मेयर किशोरी पेडनेकर ने अस्पताल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अस्पताल की डीन ने भी पुष्टि की है खबर की, और ये वहां की तस्वीरें सामने आ रही है, मरीज की तस्वीरें सामने आ रही है। मुंबई के राजवाड़ी अस्पताल का ये वाक्या।